नासिक में यहां नजर आया रोड शो के दौरान। अब से कुछ देर पहले की बस ये तस्वीरें जहां रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं सड़क के दोनों छोर पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो एकत्रित हुए। और खासतौर से महाराष्ट्र दौरे पे आज प्रधानमंत्री हैं, नासिक पहुंचे हैं और उस वक्त की तस्वीरें काफी संख्या में कैसे जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो कि आज नासिक में है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुष्प वर्षा है उसके जरिए, और साथ ही प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहां नजर आए हाथ हिलाकर। प्रधानमंत्री ने जो लोग पहुंचे थे सड़क के दोनों छोर पर उनका अभिवादन भी किया। आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नासिक की अगर बात की जाए तो यहां आज की राष्ट्रीय युवा दिवस भी और इस पर वो महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक अलग ही हर्षोल्लास यहां नजर आया रोड शो के दौरान। लगातार जो लोग थे वो हाथ लाकर प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया, उनके एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आके बढ़ रहा था, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगे की तरफ शोक के साथ बढ़ते हुए नजर आए। फिलहाल नासिक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये इस वक्त की तस्वीरें रोड शो के दौरान जो लोगों का हुजूम है वो यहां पर उमड़ता हुआ नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में करीब 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इनकी आधारशिला रखेंगे। और इससे पहले की बात की जाए नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और काफी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ देखे जा सकते हैं सड़क के अगर दोनों छोर की अगर बात की जाए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वो वहां पहुंचे। साथ ही प्रधानमंत्री भी यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन स्वीकार किया जो कि एक झलक देखना चाहते थे प्रधानमंत्री की, पुष्प वर्षा उन पे कर रहे थे स्वागत बड़े जोर शोर से और धूमधाम से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब जनप्रिय नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक पहुंचे और रोड शो के दौरान ये तस्वीरें खुद ही हकीकत बयां कर रही हैं किस तरीके से नई ऊर्जा का संचार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी पहुंचते हैं। और उत्साह यहां सीधे तौर पर देखा गया, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने पहुंचे थे, इनका स्वागत करने पहुंचे थे सड़क एक छोर पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद यहाँ नज़र आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। इसमें खासतौर से जो काफ़ी अहम है वो है अटल सेतु जो भारत का सबसे लंबा पुल है। नासिक की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों की आवाज़ के बीच जो है वो यहाँ सुनी जा सकती है, किस तरीके से उत्साह का माहौल, उत्सव का माहौल प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे स्वागत फिलहाल हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में, काफी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़े हैं, पुष्प वर्षा उन पर लगातार हो रही है, एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो हम कह सकते हैं बेकरार नजर आ रहे थे यहाँ पर।
बिल्कुल ठीक है आपने। और देखिए मैं इस वक्त हूँ तपोवन में, जहाँ पर प्रधानमंत्री एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और पूरे देश से युवा आए हैं यहाँ पर। करीब 8,000 युवा आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त चल रहा है और प्रधानमंत्री को देखने के लिए सुबह से लोगों में काफी उत्साह था और नासिक जैसी जगह में इतने लोगों की भीड़ जमा होना वो भी सुबह सुबह एक आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए वो आए हैं। आज प्रधानमंत्री जो भारत नया भारत की नींव रख रहे हैं और सक्षम युवा विकसित भारत समृद्ध भारत की वो नींव रख रहे हैं। आज पूरा देश जो महोत्सव बना रहा है और आज का जो दिन है वो युवाओं को समर्पित है और आज के दिन जनसभा में प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे। जी विशाल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा देखा भी जा सकता है कि राष्ट्र की नींव को कैसे मजबूत किया जाए, ये देश के युवा देश का भविष्य है, उनके लिए किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लगातार उनके बीच में रहते हैं, उनको संदेश देते हैं। और आज भी एक बार फिर से वही झलक जो है हमें यहाँ नज़र आई रोड शो के दौरान। प्रधानमंत्री नासिक में इस वक्त मौजूद हैं, महाराष्ट्र का दौरा आज उनका। और खासतौर से विशाल अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि जो युवा हैं उनमें काफ़ी उत्साह, और आज का दिन जो है वो खासतौर से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और प्रधानमंत्री ने अपने ऑडियो संदेश में भी इस बात का जिक्र किया। बिल्कुल आज का जो दिन है वो युवाओं को समर्पित है। प्रधानमंत्री पूरे युवाओं को ये बात बताने आ रहे हैं कि 25 साल के अंदर उन्हें क्या करना है और रोड शो में जिस तरह का हम जन सैलाब उभरता हुआ देख रहे हैं, सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग, बच्चे बूढ़े और जवान वो जमा हुए हैं अपने प्रधान सेवक को देखने के लिए। आज प्रधानमंत्री 27वें यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए नासिक में आए हैं और अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रधानमंत्री नई ऊर्जा के साथ हर जगह पहुंचते हैं और ये बात सबको प्रभावित करती है। और ये जो रोड शो है इसमें भी हमने लोगों से बात करी, उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री बॉम्बे नासिक दिल्ली जहां कहीं भी हो एक ही संदेश लेकर जा रहे हैं कि भारत को उठना होगा, भारत को जागना होगा, जो स्वामी विवेकानंद का नारा था अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और हमारा जो लक्ष्य है वो 2047 है, उसको लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इसका जो जिक्र किया उठो जागो और लक्ष्य से पहले नार को, कहीं ना कहीं उसी को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खासतौर से विशाल अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो युवा पहुँच रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, आज युवा इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। और इस रोड शो के दौरान भी हमने देखा कि जो भीड़ है, जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो दूसरी जगहों से भी आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो ग्लैमर है वो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में जब गांधीनगर में उन्होंने वो वाइब्रेंट गुजरात संबोधित किया, उन्होंने ये कहा कि दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं और भारत अब विश्व मित्र बनके पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। तो ऐसे में युवाओं की भूमिका और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और ऐसे में युवा जो है उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है इस पर प्रधानमंत्री आज लोगों को जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो रैली है वो रैली इस बात का संदेश देती है कि प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो क्यों है, क्योंकि वो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए पूरी युवा एनर्जी के साथ, यूथ एनर्जी के साथ वो हर जगह जाते हैं तो वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और यही बात युवाओं के दिलों को कनेक्ट करती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर दिन रात देश के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है और हमें भी इस देश में अपना योगदान देना है। 25 साल ये तय कर देंगे कि भारत किस पोजीशन पर पहुंचा है और भारत को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए युवाओं का रोल बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल साथी विशाल, अगर जिस तरीके से 2047 की जब हम बात करें, जब विकसित भारत की बात की जाती है, अब से पहले इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक मिशन मोड के रूप में हर कोई जो है, हर भारतीय इसको अपना रहा है। कोशिश यही कि कैसे अपने देश को और ज़्यादा मजबूत हम बना सकते हैं, विकसित इसको बना सकते हैं। जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है 25 साल का वो मिशन का ही है और हमें मिशन मोड में हम पूरा भारत आ गया है। दूरदर्शन
हर जगह से ये बात प्रसारित कर रहा है कि युवाओं के साथ साथ इस देश को आगे ले जाना है और युवा का क्या रोल रहेगा और क्यों युवा को उस मिशन में पहुंचने के लिए काम करना जरूरी है, एक लक्ष्य के साथ लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और लक्ष्य है 2047 तक हमें विश्व गुरु बनना है, हमें विकसित भारत बनना है जी। और अब हम विकासशील से विकसित की तरफ छलांग लगा रहे हैं जी बिल्कुल। और खासतौर से विशाल अगर देखा जाए क्योंकि 22 जनवरी का जो दिन है उसको लेकर 11 दिन बचे हैं और आज का दिन जो कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनमें एक नई उमंग और इसके साथ साथ नए प्रण की जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने अपने ऑडियो क्लिप में इस बात का भी जिक्र किया कि ट्वीट भी उन्होंने किया कि किस तरीके से जो 11 दिन का एक अनुष्ठान है उनका वो आज से शुरू हो रहा है और एक संकल्प के रूप में इसको हम देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो 11 दिन है वो आज के दिन से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जब 19वीं शताब्दी के आखिर में जब वर्ल्ड रिलीजन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ शिकागो के अंदर और स्वामी विवेकानंद जब वहां पर गए और उन्होंने एक ही बात से पूरे अमरीका को बिल्कुल कैप्टिवेट कर लिया था, उन्होंने कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, भारत हमेशा इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भाग मानता है, विश्व वसुदेव कुटुंबकम में विश्व विश्वास करता है और प्रधानमंत्री ने ये बात हर जगह बोली है और यही वजह है कि भारत की भूमिका इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत को दुनिया को रास्ता दिखाना है और भारत को आगे से लीड करेंगे ये युवा जो 2047 तक हमें निश्चित भारत पर ले जाकर खड़ा करेंगे जी। विशाल और खासतौर से जो आज के दिन की जब हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस आज, कहीं ना कहीं विवेकानंद का जो जीवन रहा हर एक उम्र दराज लोगों के लिए बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, सबके लिए वो प्रेरणा का स्रोत रहे और उसी पथ पर हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है कुछ इस तरह ही नजर आती है, हर वर्ग में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने क्योंकि प्रधानमंत्री की जब एनर्जी देखी जाती है, प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे विश्वास के साथ और पूरी युवा एनर्जी के साथ जब वो लोगों से कनेक्ट करते हैं तो यही बात लोगों को उनके पीछे चलने के लिए मजबूर कर देती है कि कोई आदमी हमसे क्या कह रहा है और क्यों हमको उसको फॉलो करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत का मान एशिया में बढ़ाया है बल्कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है और G20 में हमने देखा कि अमरीका जैसे देश भारत की प्रशंसा करते नजर आए और हाल ही में जो वहाँ पे गुजरात हुआ जिसको मैंने कवर किया था उसमें भी जो अलग अलग देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आए थे उन्होंने भारत की तारीफ की और प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि एक विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और ही इज अ विजनरी लीडर। तो जब हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को एक विजन दे रहे हैं, एक लक्ष्य दे रहे हैं 2047 का, तो युवाओं को उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ना है और हमारा शुरू हो गया है टाइम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा टाइम इज नाउ, अब भारत का समय है जी। बिल्कुल और अक्सर प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं यही समय है, सही समय है और इसी समय के अनुरूप किस तरीके से विश्व पटल पर आज के समय में जो भारत की नई छवि है वो किस तरीके से उभर कर आ रही है हर एक क्षेत्र में, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कैसे एक भारत को विश्व पटल पर उन्होंने नए रूप में सबके सामने पेश किया और उसी वजह से विशाल हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकप्रियता तो प्रधानमंत्री की बढ़ी लेकिन उसके साथ साथ भारत से जो जुड़ाव है हर किसी का, भारत की लोकप्रियता को बढ़ाने का उन्होंने यहाँ सीधे तौर पर काम किया है। फिलहाल दोबारा आपके साथ अपडेट्स के लिए हम जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं, इस दौरान